हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्की सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। दोस्तों, आज जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई बांद्रा से चलकर रामनगर को जाने वाली मुंबई बांद्रा टर्मिनस रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया कोटा, मथुरा, बरेली। जानेंगे स्टेशन की सारी जानकारी, इसके कितने हॉल्ट आते हैं, कहाँ कहाँ ये रुकती है। बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता हूँ छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों, 19061 बांद्रा रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख वेस्टर्न रेलवे जोन अपने अंदर करती है। हरी झंडी दिखाया गया था 24 जनवरी 2014 को। ये एक वीकली ट्रेन है। ये ट्रेन बांद्रा से हर गुरुवार थर्सडे को खुलती है रामनगर के लिए। दोस्तों, 1640 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 29 घंटे 50 मिनट पूरा करती है। इसके बांद्रा से लेकर रामनगर तक 27 हॉल्ट आते हैं 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। लोको रिवर्सल होता है इसका अछनेरा जंक्शन में। और रूट के बारे में बात करूँ तो ये ट्रेन बांद्रा से खुलकर वडोदरा जंक्शन, रतलाम, सवाई माधोपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, कासगंज, बरेली के रास्ते रामनगर तक जाती है। पेंटी कार के बारे में बात करूं तो इस ट्रेन में कोई पेंटी कार का कोच नहीं है। अगर आपको बाहर से खाना मंगाना है उसके लिए इस ट्रेन में IRCTC का ई कैटरिंग की सुविधा मौजूद है और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग की भी सुविधा मौजूद है। लोकोमोटिव की बात करूं तो इस ट्रेन में बांद्रा से लेकर रतलाम तक वडोदरा सेट का WAP-7 या फिर वडोदरा सेट का WAP-4E, इन दोनों में से एक लोकोमोटिव यूज़ होता है। वहीं रतलाम से आगे रामनगर तक इस ट्रेन में रतलाम सेट का WDM-3D या फिर साबरमती सेट का WDP-4D, इन दोनों डीजल लोकोमोटिव में से एक लोकोमोटिव यूज़ होता है। अब बात करते हैं बांद्रा रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। इसका कितना किराया है मुंबई से रामनगर तक का? इस ट्रेन में LHB रेक यूज़ होते हैं। सेकेंड AC क्लास का इस ट्रेन में एक दो डब्बा होता है, जिसका किराया है मुंबई से रामनगर 2480 रुपये पर पर्सन, इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग सुपरफास्ट चार्जेस। थर्ड AC क्लास का इस ट्रेन में तीन डब्बा होता है, जिसका किराया है 1690 रुपये पर पर्सन मुंबई से रामनगर। वहीं इस ट्रेन में स्लीपर के डब्बे होते हैं 7, जिसका किराया है 625 रुपये पर पर्सन मुंबई से रामनगर। वहीं इस ट्रेन में जनरल के डब्बे होते हैं 4, जिसका किराया है 369 रुपये पर पर्सन मुंबई से रामनगर। दोस्तों, ये अपडेटेड किराया नहीं हो सकता है, इस किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको दोबारा कंफर्म करें रेलवे की वेबसाइट या उनके टिकट काउंटर पे। अब बात करते हैं मुंबई बांद्रा टर्मिनस रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेन हर गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से खुलती है सुबह में 5:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रामनगर के लिए। अभी पहुंचती है बोरीवली सुबह में 5:37 पर। बोरीवली में इसका 3 का हॉल्ट है। सुबह में 5:40 पर बोरीवली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती है रामनगर के लिए। अभी पहुंचती है वापी सुबह में 7:27 पर। वापी में इसका 2 का हॉल्ट है। सुबह में 7:29 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब मुंबई रामनगर एक्सप्रेस पहुँचती है सूरत सुबह में 8:45 पर। 5 रुककर सुबह में 8:50 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुँचती है भरूच जंक्शन सुबह में 9:37 पर पहुँचती है। 2 रुककर सुबह में 9:39 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अब ये सुपरफास्ट ट्रेन पहुँचती है वडोदरा जंक्शन सुबह में 10:43 पर। वडोदरा जंक्शन में इसका 10 का हॉल्ट है। सुबह में 10:53 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी पहुँचती है गोधरा जंक्शन सुबह में 11:56 पर। गोधरा में इसका 2 का हॉल्ट है। सुबह में 11:58 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी पहुँचती है दाहोद दोपहर में 12:58 पर। दाहोद में इसका 2 का हॉल्ट है। 2 रुककर दोपहर में 1 यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी पहुँचती है रतलाम जंक्शन दोपहर में 2:40 पर। यहाँ पर इसका 20 का हॉल्ट है। शाम को 3 यहाँ से रवाना होती है रतलाम से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी पहुँचती है नागदा जंक्शन शाम को 3:53 पर। 2 रुककर शाम को 3:55 पर नागदा से आगे बढ़ती है रामनगर के लिए। अभी पहुँचती है शामगढ़ शाम को 4:54 पर। शामगढ़ में इसका 2 का हॉल्ट है। शाम को 4:56 पर यहाँ से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रामनगर के लिए। अब बांद्रा रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है रामगंज मंडी जंक्शन शाम को 5:35 पर यहाँ पहुँचती है। 2 रुककर शाम को 5:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रामनगर के लिए। अभी ट्रेन पहुँचती है कोटा जंक्शन
शाम को 6:35 पे कोटा पहुंचती है, 5 मिनट रुककर शाम को 6:40 पे कोटा से रवाना हो जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है सवाई माधोपुर जंक्शन रात में 8:05 पर, 2 मिनट रुककर रात में 8:07 पर सवाई माधोपुर से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रामनगर के लिए। अब ये पहुंचती है गंगापुर सिटी रात में 8:55 पर, यहाँ पे इसका 5 मिनट का ठहराव है, रात में 9 बजे यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है भरतपुर जंक्शन रात में 11:15 पर, भरतपुर में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, रात में 11:20 पर भरतपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे बढ़ती है रामनगर के लिए। अभी पहुंचती है अछनेरा जंक्शन रात में 11:55 पर, 10 मिनट का ठहराव यहां पे, रात में 12:05 पर यहां से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी पहुंचती है मथुरा जंक्शन रात में 1:20 पर, 10 मिनट रुककर रात में 1:30 यहां से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। अभी पहुंचती है हाथरस सिटी रात में 2:16 पर, यहां पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 2:18 पर हाथरस सिटी से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रामनगर के लिए। अब मुंबई रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचती है कासगंज जंक्शन, सुबह में 3:20 पे पहुंचती है, 10 मिनट रुककर सुबह में 3:30 पे यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अब ये पहुंचती है बदायूं, सुबह में 4:40 पहुंचती है, 5 मिनट रुककर सुबह में 4:45 पे यहां से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रामनगर के लिए। अब ये पहुंचती है बरेली जंक्शन सुबह में 6:05 पर, 5 मिनट रुककर सुबह में 6:10 पर यहां से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी पहुंचती है इज्जत नगर सुबह में 6:51 पर, यहां पे इसका 3 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 6:54 पर इज्जत नगर से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब ये ट्रेन पहुंचती है बहेरी सुबह में 7:27 पर, बहेरी में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 7:32 पर बहेरी से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है किच्छा सुबह में 7:51 पर, किच्छा में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 7:53 पर यहां से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है लाल कुआं जंक्शन सुबह में 8:35 पर, यहां पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 8:45 पर लाल कुआं से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब ये पहुंचती है बाजपुर सुबह में 9:31 पर, 2 मिनट रुककर सुबह में 9:33 पर बाजपुर से आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है काशीपुर जंक्शन सुबह में 10:15 पर, 10 मिनट रुककर सुबह में 10:25 पर काशीपुर से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब मुंबई रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है रामनगर, सुबह में 11:00 पहुंचती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती है अपनी 1640 किलोमीटर की दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।